तो राउंड अबाउट कीमत क्या है जी? नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों, मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ फार्म ट्रैक है भाई, क्या नाम है आपका? अवतार सिंह जी, ये जो CRDI मॉडल है इसमें फुली डिटेल बताओ जी, ये कौन सा इंजन है, क्या क्यूबिक कैपेसिटी है, क्या टॉर्क है, मतलब फुली रिव्यू कर दो जी इस कार। ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है। तो ये फुली एक जो है CRDI ट्रैक्टर है जी, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन 98 का सिस्टम हो गया जी, 122 स्ट्रोक है। ठीक है जी ठीक है, ठीक है जी, टर्बो के साथ इंजन आ जाता है। ये कॉमन रेल इसकी इस साइड आ जाती है जी, सभी कंपनियों का अपना अपना डिजाइन होता है। इसका जो पंप होता है ये टुल्लू पंप होता है जी, यहाँ से दो लाइनें जा रही हैं, यानी कि इसको जो है हाँ जी हाँ जी। तो ये अपना ECU लगा हुआ इसके साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई और कुछ इंजेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कॉमन रेल का जो प्रेशर होता है ये 1600 बार तक का प्रेशर झेल लेती है, लेकिन जो आगे इंजेक्टर फायर करते हैं जी वो लगभग 8000 अपना जो है 800 बार तक का प्रेशर को आगे डालते हैं, जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो। तो भाई ये सब झंझट जो है कंपनियां इमिशन नॉर्म्स के चलते हुए करी है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो नॉर्म्स आ चुके हैं वो ट्रैम्प 4 आ चुके हैं जी, तो है ना BT4। ठीक है जी ठीक है ठीक है जी, ट्रैम्प 4 है जी। और सर इसकी यूनिट वगैरह दिखाइए आप। ठीक है जी, ये लगा हुआ है थ्रोटल कंट्रोल जी, एक्सीलेटर को कंट्रोल करते हैं यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें एक बातें बता दूं मैं आपको, ये जो ऊपर लेयरिंग दी गई है ये कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों के मन में रहता है कि चूहे, तो ये चूहे से भी जैसे कि हमारे घर के गैस के पाइपलाइन के ऊपर लेयरिंग करी जाती है, तो उसी प्रकार से पूरा इसमें लेयरिंग करी गई है। और जो ECU है भाई, इसकी पोजीशन ऐसी रखी गई है कि इसको पानी वगैरह ना लगे, एक तो हाइट पे रखी गई है और थोड़ा छुपा के, जैसे ही हम इसको बंद कर देंगे तो बिल्कुल भी, इस चीज का कंपनियां पहले से ही ध्यान करती हैं और चार पांच पांच साल पहले से टेस्टिंग चलती है जी इनकी। और ये हवा निकालने के लिए पंप है जी इसका, ऊपर देखो जी एयर क्लीनर दे रहा हाँ जी, एयर क्लीनर है जी ये, पत्ती फैन दिए हुए हैं, जो हवा आती है ना फूंक के जाती है। ये फ्लीट गार्ड कंपनी का एयर अपना पहले से ही ड्राई टाइप एयर क्लीनर जो फार्म ट्रैक यूज करती है जी, तो ये बहुत ही बेस्ट होता है जी, इनका एक अपना पेटेंट है। ज्यादातर ये डस्ट को ये बाहर ही फिल्टर कर देता है जल्द, हवा है ना जी भाई, CRDI है हाँ जी CRDI। ठीक है जी, तो अभी जो ऑपरेशनल एरिया में चेंज करें हैं वो भी दिखाओ जी आ जाओ। तो गियर्स के बारे में बात करते हैं जी, बैटरी फ्रंट में दे दी गई है और ये लगभग 88 एम्पेयर की बैटरी है, कैटेलिक कन्वर्टर इधर दे दिया गया है जी। बिल्कुल बिल्कुल, और जो टर्बो है जी हॉल सेट 25 नंबर टर्बो है इसमें, तो काफी जो है डिजाइन में बिल्कुल चेंजिंग कर दी गई है जी। अभी देखते हैं कि फार्म ट्रैक कितना कामयाब होता है नए डिजाइन के साथ। तो अभी जो है आपको ऑपरेशनल एरिया दिखाते हैं, और आज हम जो है श्री फतेहगढ़ साहिब में मौजूद हैं भाइयों, शहीदों की धरती पे। तो गियर स्पीड के बारे में दिखाओ जी इसका थोड़ा। ठीक है जी, ये रिवर्स फॉरवर्ड है। ठीक है जी, और ये मतलब इसमें स्पेशल गियर ये सभी ट्रैक्टरों से अलग है जी, अभी तक ट्रैक्टर इंडस्ट्री से भाई ये वाला जो गियर कॉम्बिनेशन है आपको किसी में नहीं मिलेगा, तो ये स्पेशल में कैसे है जी? स्पेशल गियर लगाया जी, इसमें लो कर देंगे। ठीक है, पहले लो से भी ट्रैक्टर को स्लो कर देंगे, मतलब कि करीब पर चाल 1 किलोमीटर से नीचे आ जाएगी जी, 1.2 हाँ, तो भाई करीब पर नहीं कह सकते पर सुपर सीडर के लिए सफिशियंट है जी। ठीक है जी, तो सर ट्रैक्टर को जरा आवाज चेक कराओ स्टार्ट करके, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह दिखाओ भाइयों को, तो पूरा आपको दिखा दी ये देखो जी, इसमें सर ये ना यहाँ पर 1 किलोमीटर भी शो करेगा आपको। ठीक है जी, ट्रैक्टर की स्पीड कितनी है? तो भाई वो किलोमीटर की स्पीड ट्रैक्टर की जो है सड़क के लिए नहीं होती, वो किलोमीटर की स्पीड कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं जिनकी की स्पीड निर्धारित की जाती है जी। रेस करो जी ट्रैक्टर दी, अभी ठंडा है भाई, वो थोड़ा आवाज में फर्क है पर कोई वाइब्रेशन ये इशू आपको नहीं आएगा इसमें, है ना? देव जी रेस रेस करो वीर जी, माड़ी जी बात। तो भाई इसके ऊपर पूरा काम किया गया, ये 4x4 का आ गया जी नीचे, बंद कर दो जी।
ठीक है जी, डिफरेंशियल लॉक इधर आ गया जी, और ये आपका पीटीओ का, ठीक है जी, ये मल्टी रिवर्स आ गई जी, और ये 540 होगी। आगे भी बैक काम करेगी, वैसे बैक गियर में काम करते हैं ना जी जी, चारों, हाँ रिवर्स चारों गियरों में काम करेगी, ठीक है जी। रिवर्स की भी चार स्पीड ऑप्शन है, अगर आपको कहीं चोकिंग है तो स्पीड घटा के आप चोक निकाल सकते हो जी, ठीक है। अब पिछले हिस्से पे आ जाओ जी, तो टायर साइज जो है भाई 65 HP के हिसाब से 1628 थोड़ा मुझे कम लगा, 1630 होता तो काफी बेहतर था। तो हाइड्रोलिक कैपेसिटी क्या है जी? 28 क्विंटल, ठीक है जी, 28 क्विंटल है, डबल ऑब्जरी वाल है जी। तो ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया दी गई है जी, सुपर सीडर के, ठीक है जी, ठीक है, EPI बैक एंड है जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ये जो फार्म ट्रैक की नई सीरीज है जी, ये देखो LED लैंप्स वगैरह, वैसे फार्म ट्रैक के LED लैंप्स सबसे बढ़िया आते हैं जी पहले से ही, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा चेंज है जी अपने, ठीक है जी, ठीक है। तो राउंड अबाउट कीमत क्या है जी ट्रैक्टर की इसकी? 12.5 लाख रुपए, 2 व्हील की जी, और 4 व्हील की जी, हाँ हाँ ये 4 व्हील लगा हुआ है, सॉरी। तो 2 व्हील में कितना अंतर रह जाता है जी लगभग कीमत का? ठीक है जी, ठीक है। तो ये 65 HP CRDI 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है जी, भाई ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, धन्यवाद जी।